हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, बहुत आराम से जा रहा हूँ, बिकॉज के आपको एवरी कंसेप्ट, ईच कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाओ, इसलिए मैं तुम लोग के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, 15-20 मिनट्स के 30 मिनट्स के 40 मिनट, ज़्यादा एक घंटे का लेक्चर खींच नहीं रहा हूँ, बिकॉज थियरी सब्जेक्ट से नहीं समझ में आएगा अगर ओवरलोड हो गया तो। इसलिए आपके लिए ही मैं छोटे छोटे कंसेप्ट बना रहा हूँ, भले मेरे 10 पार्ट्स बने 15 पार्ट्स बने, आई डोंट केयर, पर आपको मेरा मेन मोटो क्या है, मेरा मेन मोटो यही है ना कि आपको सब कंसेप्ट क्या हो क्लियर समझ में आए, तो यही मेरा मेन मोटो होगा। उससे पहले, आज का सेशन चालू करने से पहले, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, शेयर करनी है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। जो भी 12th स्टैंडर्ड में, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरव्यू कर लेते, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते कि अब तक कहां तक पहुंचे थे सेकंड चैप्टर्स के अंदर। जितना मुझे याद है, ओन कैपिटल हो गया था, यस, ओन कैपिटल पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका था। थोड़ा ओवरव्यू कर लेते कि सर क्या क्या पढ़े थे अपन ने अभी प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर। जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले चैप्टर्स नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड, देख लीजिए, क्योंकि आपको खुद को मालूम है एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, अगर एक भी पार्ट स्किप आउट हुआ तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में क्या चल रहा है बॉस नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज आपको क्या कर लेना है, वीडियोस को देख लेना है, सभी वीडियोस को देख लेना है। यस, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर बात करूं तो इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर शेयर्स पढ़े थे। फर्स्ट वाला पार्ट अपना ये था, मतलब फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे। सेकेंड वाला पार्ट अपना था डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। थर्ड वाला पार्ट मैंने ओनली खाली डिफरेंट बिटवीन फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पे क्या किया था, फोकस किया था। फोर्थ वाला पार्ट प्रेफरेंस शेयर्स पे फोकस किया था। फिफ्थ वाला पार्ट्स मैंने फोकस किया था किस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस किया था, जो था अपना कौन सा सर, आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एग्जाम के लिए बहुत बहुत बहुत, मतलब सर कितना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो ये वाला टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, ये वाला आपने नेक्स्ट वाले पार्ट्स में किया था। तो ऑलमोस्ट आज रिटेन अर्निंग भी अपन ने पढ़ लिया, तो ऑलमोस्ट 6-7 पार्ट्स हो चुके हैं। आज अपन कंटिन्यू करेंगे सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, तो मतलब लास्ट सेशन तक जो पढ़ा था अपन ने वो कौन सा पार्ट था, ओन कैपिटल, क्योंकि कंपनी खुद का पैसा कैसे ला सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म में ला सकता है। इक्विटी पढ़ा, प्रेफरेंस पढ़ा, और रिटेन अर्निंग तो इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज कंपनी ने वो कमाया है अपनी मर्जी से, अपने आपसे क्या किया है, वो कमाया है और वो क्या किया, री इन्वेस्ट किया है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, तो इज अ रिटेन अर्निंग। तो वहां तक अपन ने क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज आगे बढ़ेंगे जो होगा आपका डिबेंचर्स पे। देखो सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, उधार लिया हुआ। बोरोड का मतलब क्या होता है, उधार लिया हुआ, ठीक है। अभी उधार लिया हुआ में भी बहुत सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल है किसके पास, कंपनी के पास, कि वो डिबेंचर के फॉर्म में भी पैसा दे सकती है, बॉन्ड के फॉर्म में भी पैसा दे सकती है, बैंक से भी लोन ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है। तो देर आर आर वेरियस ऑप्शंस इन बोरोड कैपिटल ऑल्सो। यस, चलो स्टार्ट करेंगे बोरोड कैपिटल के अंदर, जो मेन, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठा सकती है कंपनी और सिक्योरिटी दे सकती है, वो होगा आपका डिबेंचर। तो आज का कंसेप्ट डिबेंचर पे डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे और स्टॉप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर, अपकमिंग वीडियोस के अंदर, उसके वेरी वेरी वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ेगा अपन, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, 8 मार्क के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो प्लीज टिक मार्क करके रखना। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशियंट टू कैरी ऑन ऑल द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऑफ कोर्स कंपनी खाली खुद का कैपिटल लाके बिजनेस नहीं कर सकती, धंधा नहीं कर सकती, तो उसको बाहर से भी पैसा लेना पड़ेगा, इज नथिंग बट बोरोड कैपिटल। अ कंपनी नीड द बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल, मतलब सप्लीमेंट, अरे ओन कैपिटल के साथ सप्लीमेंट्री बोरोड कैपिटल भी कंपनी को चाहिए टू रन द बिजनेस। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल टू बोरो मनी, however it is a normal practice to have an expression provision in a memorandum of association enabling a company to borrow money. Memorandum authorizes company to exercise a borrowing power, whereas the article of association provides how and by whom
दिस पावर शेल बी एक्सरसाइज। देखो कंपनी के माँ बाप कौन होते हैं आपको खुद को मालूम है, मेमो है, एम ए ओ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओ ए आपको पावर देता है कि आप बोरो करो, बट कैसे कैसे बोरो करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो कहाँ पे लिखा रहेगा, ए ओ ए के अंदर लिखा रहेगा। मतलब एमओ ए के अंदर आप मेन ऑब्जेक्ट लिखते हो और आर्टिकल्स के अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इज नथिंग बट आप यहाँ पे वही चीजें लिखी है कि मेमोरेंडम तुम लोग को अथॉरिटी देता है कंपनी को टू एक्सरसाइज द बोरोइंग पावर, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड एज हाउ, कैसे बोरो करोगे, कभी बोरो करोगे, कहाँ से बोरो करोगे, ये पावर कौन देता है आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है। अब पावर टू बोरो मनी इन इज अ नॉर्मल एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऑफकोर्स ये दिखा था वेरी नॉर्मल एक्टिविटी के भाई कंपनी का बिजनेस रन करना है तो ऑफकोर्स उसके पास पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए या तो खुद का कैपिटल डालो या तो फिर बोरो करो। तो ये पावर जनरली किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंट्रोल होता है बिजनेस के अंदर वो किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, अब प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इज बोरोइंग पावर इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। हाउएवर अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर अंटिल इट सिक्योर अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। मतलब इधर क्या बोला है कि प्राइवेट कंपनी इजीली क्या कर सकती है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, सपोज कि आज कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, कंपनी आज से बोरो कर सकती है। कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी बॉस, प्राइवेट कंपनी। बट पब्लिक कंपनी की बात करो तो पब्लिक कंपनी डायरेक्टली बोरो नहीं कर सकती, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इन सेंस ऑफ इन कोज ऑफ कैसे, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किससे, गवर्नमेंट से। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आता है बट बिजनेस स्टार्ट करने का परमिशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई पब्लिक कंपनी, उसके बाद भी और एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इज नथिंग बट कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। अभी जो मैं बोलूँ ना, रिसेंट चेंज जो आया है ना, आपको खाली एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी जो यहाँ पे लिखा है आपको वही पढ़ना है, पर ये एडिशनल नॉलेज है क्योंकि ये बुक्स बने हुए, नो डाउट आपका सिलेबस चेंज हुआ है, बट कंपनीज एक्ट 2013 में आया है तो आज 2023 है, तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए इसमें। तो अभी क्या है, दोनों कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को, दोनों को कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी लेना पड़ेगा बिफोर बोरिंग एनी मनी फ्रॉम द आउटसाइडर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अभी का लॉ बोलता है, बट आपको बुक्स में दिया है तो आपको यही रीड करना है, ये तो जस्ट तुम लोग को ओवर एंड अबाउ एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं। द कैपिटल मे बी अ बोरोड फॉर अ शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, इट इज अ बेटर टू रेज द बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज ऑफ द कंपनीज बिजनेस व्हेन कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपांड और डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस एंड इट इज रिक्वायर द एडिशनल कैपिटल। दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय इश्यू ऑफ द डिबेंचर, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकेंड हो जाएगा डिपोजिट। देखो ये पूरे पूरे चैप्टर्स है आपको, चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 5 पे पूरा चैप्टर है, यहाँ पे आपको जस्ट झलक दिखाया है उसका डिटेल में कहाँ पे दिया, चैप्टर नंबर 4-5 पे दिया है। इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर एसपी एक, मैं इसे घड़ी घड़ी रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। वेब सीरीज इसलिए है कि बॉस वो एवरी पार्ट्स कनेक्टिविटी में है, जैसे कि आप वेब सीरीज दिखते हो कैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट दूसरा वाला पार्ट पहले पार्ट का एक झलक दिखता है, तो सेम लाइक ये ऐसा ही है कि भाई अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया तो नेक्स्ट वाले पार्ट में समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए एसपी को कभी भी आपको बीटन पीस में नहीं देखना है, पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड्स हो गया, लोन हो गया फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एटेक्स्ट्रा, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बोरोड कैपिटल, इट इज पेड एट अ फिक्स रेट, बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ऑफकोर्स लोन लिया हुआ पैसा आपको सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, वापस से चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चालू करते हैं इसके अंदर से, मतलब जो बोरोड कैपिटल के अंदर फर्स्ट सिक्योरिटी है आपकी डिबेंचर। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो डिबेंचर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू बोरो मनी। चलो देखते हैं अभी इसके अंदर क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट द लॉन्ग एंड अ मीडियम टर्म ऑफ फाइनेंस नीड। Over the year, debenture have occupied a significant position in financial structure of the company. The term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe, मतलब borrowed. समझ में आ, ध्यान रखना है, छोटे छोटे वर्ड ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, छोटी छोटी लाइन में जो बोलते जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव लिखते जाओ बाजू में बॉस, ऑब्जेक्टिव ऐसे करके क्या कर रहे हो, लिखते जाओ। यस, द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर द कंपनीज एक्ट।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली स्टेट दैट द वर्ड डिबेंचर इंक्लूडिंग डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट वेदर कंसिस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट। अगर जब भी अगर डिबेंचर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप विद सेक्शन सेक्शन 2 देखो डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में ही दी है वो मैं तुम लोगों को बॉटम ऑफ द लाइन बता देता हूँ बट उसका भी सबसेक्शन 30 के अंदर डिबेंचर के क्या किया है सिंपल लाइन में डेफिनेशन दिया है कि डिबेंचर क्या है कि कोई भी ऐसा बोरोइंग कैपिटल या तो फिर कोई भी ऐसा एविडेंस है कि वो बोरो कैपिटल का है तो इसे डीम टू बी अ डिबेंचर। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूडिंग अ डिबेंचर स्टॉक डिबेंचर मीन्स द डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट और एक्नोलेज अ डेब्ट मतलब या तो क्रिएट किया या तो फिर एक एक्नोलेजमेंट नथिंग बट डिबेंचर सर्टिफिकेट आप बोल सकते हो इज नथिंग बट डिबेंचर। ऑर्डिनरली डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑन अ सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बट देर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सर चार्ज मतलब सर ये क्या बोला नहीं समझ में चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी मतलब कि भाई अगर आज कोई लोन ले रहा है डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन क्लियर है ये बिकॉज दिस आर द बोरोड कैपिटल तो कोई भी आज लोन देगा कंपनी को तो वो बंदा जो मिस्टर एक्स लोन दे रहा है कंपनी को तो मिस्टर एक्स क्या करेगा खुद तो सिक्योरिटी भी लेगा ना समझ में। अगर सपोज कि आज बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको फ्री में लोन दे देती है इंटरेस्ट चार्ज करती है बाद में आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है तो सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी कहा गया यहाँ पे था चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने कंपनी को कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख का डिबेंचर दिया तो ऑफकोर्स ये सर्टिफिकेट देगा उसके साथ साथ एबीसी लिमिटेड अपनी कोई असेट इसके साथ क्या करेगी चार्ज पे रखेगी सिक्योरिटी पे रखेगी। डेफिनेशन देख लेना आप अपने हिसाब से कोई भी आपको बेस्ट लगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर उन लोगों को गूगली डाल देना है बॉल तो डिबेंचर पे फीचर्स पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आ भी सकता है कोई देखो कभी कभी अपन प्रेडिक्ट करके जाते हैं बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना बड़े बड़े हैवी क्वेश्चंस रीड करके जाते हैं मतलब के टाइप्स ऑफ डिबेंचर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस ये प्रोसेस वो प्रोसेस डीमटेरियलाइजेशन वो इतने बड़े बड़े फंडा पढ़ के जाते हैं और बच्चे लोग को क्वेश्चंस में ये वाले गूगली बॉल डाल देते हैं कि भाई व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर प्लीज एक्सप्लेन हिज फीचर्स व्हाट यू मीन बाय शेयर्स प्लीज एक्सप्लेन हिज फीचर्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी आपको क्या करना है अवेयर रहना है। देखो तुम लोग को मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर रहना है माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करना है पढ़ना कैसा है कैसे स्टडी करना है कैसे मैं याद रख सकता हूं वो आपका रोल है समझ में आया ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ। पहला ये प्रॉमिस ऑफ कोर्स एक प्रॉमिस तो है कि भाई मैं तेरे को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तेरा पैसा क्या कर दूंगा वापस से चुका दूंगा। यस डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी कौन करेगी प्रॉमिस कंपनी ही करेगी जिन्होंने लिया रहेगा कंपनी ने अगर डिबेंचर लिया होगा तो वही क्या करेगी प्रॉमिस करेगी दैट ओज अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं डिबेंचर होल्डर जैसे शेयर होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं अपन शेयर होल्डर बोलते हैं वैसे डिबेंचर जो ओन करता है सॉरी वो करता है उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी क्या करती है प्रॉमिस करती है कि आप तेरा पैसा तेरे को आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस से चुका देंगे। सेकेंड पॉइंट बोलते हैं फेस वैल्यू जनरली डिबेंचर की फेस वैल्यू जो होती है काइंड ऑफ प्रेफरेंसेस इतना ही होता है मतलब हाई होती है मतलब सर बोलना क्या चाहते हो हाई होती है क्योंकि भाई ऑफकोर्स देखो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना देखो उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है डिबेंचर होल्डर कंपनी प्रॉफिट में आए डूब जाए कुछ भी हो उनको कोई कंसर्न नहीं है उसको उसका जो भी इंटरेस्टेड है लाइक अ बैंक अकाउंट सॉरी बैंक लोन में अपन अगर सपोज कि होम लोन लेने गए तो उसको थोड़ी कोई लेना देना कि आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो उसको उसका इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाना चाहिए मिल जाना चाहिए। सेम काइंड इसका भी ऐसा ही फंडा है कि भाई इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। अभी बात कर रहा था फेस वैल्यू की वैल्यू जो होती है जनरली 100 और मल्टीपल ऑफ 100 फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन मतलब इट्स 100 और मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 200, 500, 10,000, 1 लाख तक डिबेंचर हो सकता है 10 लाख का भी एक डिबेंचर हो सकता है इसे डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी।
नेक्स्ट है टाइम ऑफ रीपेमेंट. ऑफकोर्स जो भी सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कि तेरे को सो इन सो डेट पे सो इन सो आफ्टर सो इन सो ईयर के बाद देखो तेरा पैसा क्या हो जाएगा वापस से मिल जाएगा, वो तेरा क्या हो जाएगा टाइम ऑफ रीपेमेंट हो जाएगा. डिबेंचर आर इश्यू विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. जो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होगा ना उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्या हुआ लगा लिखा होगा. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट. देखो ध्यान से सुनना क्या लिखा है इन लोग ने. प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 1 लाख का डिबेंचर रहेगा ना तो दीज आर द प्रिंसिपल. इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है. इंटरेस्ट तो एवरी मंथ देना है तेरे को. एवरी वर्ड का मीनिंग है, एवरी वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे. आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे 1 लाख पे सपोज के 10% मतलब 1,10,000 मुझे 10 साल के बाद मिलेगा. नहीं, 10 साल के बाद आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा 1,00,000 रुपया. बाकी 10,000 देखो एवरी मंथ या तो जो भी डिसीजन जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो देखो क्या मिलेगा एवरी मंथ मिलेगा. तो यहाँ पे लोगों ने क्लियरली लिखा है द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट यस ऑफ द डिबेंचर इज रिपेड ऑन द मैच्योरिटी डे. नेक्स्ट आ जाएगा प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट. ऑफकोर्स कंपनी कल बंद हो गई, अज्यूम कल कंपनी बंद हो गई, वाइंडिंग अप हो गई, लिक्विडेशन में चली गई, तो सबसे पहला जो असेट बेचे गए उसके बाद जो पैसा मिलेगा कंपनी को वो पैसे में से लायबिलिटी क्या करके चुकाएंगे. यस, तो वो लायबिलिटी चुकाने का बारी आएगी तो सबसे पहले आउटसाइडर को देंगे. तो आउटसाइडर में कौन आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है. यस, डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी, हैव अ प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस शेयर से भी पहले प्रायोरिटी किसका है, डिबेंचर का, बिकॉज दे आर द आउटसाइडर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द खुद का कैपिटल है, पर हाँ इक्विटी से पहले उसको प्रायोरिटी है, पर डिबेंचर से पहले प्रायोरिटी नहीं है. किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं. ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, नींद में हो तो आंख खोल के सुनो क्या मैं बोल रहा हूं कि भाई डिबेंचर को प्रायोरिटी है मतलब आउटसाइडर को. अगर फाइनेंशियल लोन लिया रहेगा तो फाइनेंशियल लोन, बैंक लोन लिया रहेगा बैंक लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड, ये सबको पहले प्रायोरिटी है किससे, खुद के कैपिटल से. खुद का कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी तो सबसे पहले अधिकार किसका है, इन लोग का है. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लाइमेट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट. एक टाइप की अश्योरिटी देती है. पहले पॉइंट देखा प्रॉमिस भाई कि तेरे को तेरा पैसा सेफ रखेंगे और तेरे को आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, रीपेमेंट कर देंगे. डिबेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ द रीपेमेंट ऑन अ ड्यू डेट. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इंटरेस्ट. जो मैं तुम लोग को अभी बोला था कि इंटरेस्ट इन लोग को क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा. इन लोग को इंटरेस्ट क्या मिलेगा, फिक्स्ड मिलेगा. इनको कंपनी की प्रॉफिट से, ग्रोथ से, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है लॉस में चल रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है. उनको उनका इंटरेस्ट मिलना चाहिए. अब फिक्स रेट क्या लिखा है, देखो स्टार्टिंग में लिख दिया है, अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियोडिकली. मैंने तुम लोग को क्या बोला, पीरियोडिकली पेमेंट होगा. प्रिंसिपल अमाउंट लास्ट में मिलेगा जब भी टर्म खत्म होगा तभी, बट इंटरेस्ट आपको पीरियोडिकली मिलेगा इन केस ऑफ द डिबेंचर. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट. मतलब कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है उनसे कोई लेना देना नहीं है डिबेंचर होल्डर को, वेदर द कंपनी मेक अ प्रॉफिट और लॉस. समझ में आया बॉस. नेक्स्ट, पार्टीज टू द डिबेंचर. देखो डिबेंचर के अंदर जनरली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है. पहला होगा कंपनी जो डिबेंचर देगी, इश्यू करेगी. सेकेंड होगा जो लेने वाला होगा, डिबेंचर होल्डर. थर्ड पार्टी जो यहाँ पे होगी वो इंटरेस्टिंग पार्टी होगी, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं. वो ये 2 पार्टी के बीच में लाइक अदालत का काम करती है. अदालत का काम करती है मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट नहीं मिला तो डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी को बोलेगा कि भाई कंपनी को बोलो मुझे क्या करे, पैसा दे. प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला तो डिबेंचर होल्डर किसको बोलेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को बोलेगा भाई मेरा कंपनी से पैसा निकाल दे. इन काइंड ऑफ मैं बात करूं तो डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में कौन होगा, डिबेंचर ट्रस्टी होगा. देखो पार्टीज टू द डिबेंचर, पहला तो होगा कंपनी. मैंने तुम लोगों को बोला जस्ट दिस इज अ एंटिटी वो बोरो द मनी, मतलब जो अमाउंट बोरो कर रहा है और डिबेंचर इश्यू कर रहा है. सेकेंड होगा ट्रस्टी. देखो अभी नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस है. ध्यान से सुनना कि कौन सी कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है. A company has to appoint a debenture trustee if it is offering a debenture to more than 500 people. अगर 500 से ज्यादा आप पीपल्स को debentures दे रहे हो तो आपको debenture trustee appoint करना जरूरी है. समझ में आया,
डिबेंचर ट्रस्टी किसको अपॉइंट करना जरूरी है, अगर 500 से ज़्यादा आप डिबेंचर होल्डर को मतलब नॉट डिबेंचर होल्डर को पीपल्स को डिबेंचर दे रहे हो तो आपको क्या करना है, डिबेंचर ट्रस्टी हायर करना है। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना 500 और मोर। दिस इज अ पार्टी थ्रू वूम द कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर। द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज नॉन एज अ ट्रस्ट डीड। मतलब इन लोग के कंपनी और कंपनी होती है, डिबेंचर होल्डर होता है और डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं, उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड पावर ऑफ ट्रस्टी एटेक्स्ट्रा। वो डीड के अंदर किसके क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या ऑब्लिगेशन होगी, किसकी क्या लायबिलिटीज होगी, किसके क्या पावर होंगे, वो सब एग्रीमेंट के अंदर डीड के अंदर लिखा होगा। सी पॉइंट बोलता है डिबेंचर होल्डर नथिंग बट जिन्होंने पैसा दिया है इज अ डिबेंचर होल्डर। दिस आर द पार्टी वू प्रोवाइड अ लोन एंड रिसीव द डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस। समझ में आ रहा है बच्चे लोग, 7 पॉइंट तक हो गया। 8वां पॉइंट क्या बोलता है, ऑथोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस। क्या बोला है, ऑथोरिटी टू इश्यू अ डिबेंचर, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अ पावर टू इश्यू अ डिबेंचर। ध्यान से सुनो, वापस से मैंने क्या बोला, ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैव अ पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, बाकी किसी के पास पावर नहीं। बच्चे लोग कुछ भी टिक करके आते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत इजी पूछा है कि डैश हैव अ पावर टू इश्यू अ डिबेंचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर, चेयरमैन। तो बच्चे लोग कोई चेयरमैन सेलेक्ट करके आता है, कोई बोलते हैं मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिंपल एंड सोबर। यस, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2016 सेक्शन के साथ बोला इन लोग ने, 179 के अंदर क्लियरली लिखा है, 179 और सबसेक्शन 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इश्यू अ डिबेंचर। किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट आ जाएगा, अपन आगे बढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। अरे भाई, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि दे आर द आउटसाइडर। जिसको आपको लोन रीपे करना है वो क्या होगा, आपके लिए क्रेडिटर होगा, अपने लाइबिलिटी साइड लिखते ही हो। यस, तो डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वेयर एज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। यस, चलो, सिंस डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट एट अ फिक्स्ड रेट एट अ फिक्स्ड इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम। मतलब आपको एक एवरी टाइम आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर, ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे। 10th पॉइंट क्या बोलता है, नो वोटिंग राइट। ऑफकोर्स दे आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसको कोई वोटिंग पावर नहीं है। बट इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो दे हैव अ राइट टू वोट इन द मीटिंग। समझ में आया, तो इन लोगों को कोई वोटिंग पावर नहीं है, बिकॉज दे आर लाइक अ क्रेडिटर बॉस, नॉट लाइक अ क्रेडिटर, दे आर अ क्रेडिटर। समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी शेल इश्यू अ डिबेंचर कैरी एनी वोटिंग राइट। मतलब सेक्शन में क्लियर बोला है, कंपनीज एक्ट के अंदर क्लियरली बोला है 71 के अंदर, कि भाई कोई भी कंपनी डिबेंचर विथ वोटिंग राइट दे नहीं सकती, डिबेंचर विथ वोटिंग राइट दे नहीं सकती। यस, डिबेंचर होल्डर हैव अ नो राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। ऑफकोर्स सिक्योरिटी, डिबेंचर्स को सिक्योरिटी मिलेगी, अनसिक्योर को अलाउड नहीं है अभी अनसिक्योर डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकते एज पर द कंपनीज एक्ट। क्लियर है, बॉटम ऑफ द लाइन क्लियर रखना। डिबेंचर आर जनरली सिक्योर बाय द फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। फिक्स मतलब और फ्लोटिंग मतलब, सर ये क्या है समझा दो। फिक्स मतलब सपोज कि एक फर्नीचर पड़ा है, मशीनरी पड़ी है, देखो अगर हम लोग ने पैसा नहीं दिया तो देखो ये फर्नीचर में से या तो ये मशीनरी में से जो भी पैसा मिलेगा निकालेगा, वो देखो क्या करेगा, हम लोग पैसा दे देंगे तेरा डिबेंचर का अगर कंपनी डिफॉल्ट हुई तो। फ्लोटिंग का मतलब एवरी असेट। फिक्स असेट मतलब देखो एक सिक्योरिटी दे देंगे फिक्स असेट के फॉर्म में, मशीनरी एज अ सिक्योरिटी, अगर देखो लॉस हुआ तो देखो मशीनरी लॉस क्या, तो अगर हम लोग कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में तो ये मशीनरी बेच के तेरा जो पैसा बनता है वो तेको देगा, वो बोलेगा फिक्स। फ्लोटिंग का मतलब कंपनी की जितनी भी असेट्स होगी उस पर सब में तेरा क्या है, अधिकार है एज अ असेट ऑन चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। यस, फ्लोटिंग ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, इफ द कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू मेक द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी डिफॉल्ट हुई, या तो कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं पे किया, या तो कंपनी कैपिटल वापस से नहीं कर पाई, तो
डिबेंचर होल्डर के पास पावर है कि वो ऑफसेट बेच दे, उसका पैसा निकाल के जो भी बचता पैसा बचता है वो कंपनी को रिफंड कर दे। यस, समझ में आ रहा है? बहुत आराम आराम से जा रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत, मुझे कोई गाय नहीं है यहाँ पे आपका एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म करना, कोई गाय नहीं। अपना दिसंबर तक के ऑलरेडी दो सेकेंड चैप्टर पे पहुँच गए, ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाएगा, ऑलरेडी 12 चैप्टर से 2 चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, तो आराम आराम से जाएगा। बाकी के बीच बीच वाले चैप्टर से बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगा, इसलिए आराम से जा रहा हूँ। एक एक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मैं अभी भी बोलो डे वन से बोलते आ रहा हूँ कि मेरा मेन पर्पज ये नहीं है कि आपको ओनली 12th पास करवाना है, मुझे इतना करवाना है, आपको नॉलेज देना है कि एटलीस्ट आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो इन फ्यूचर में, तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर होने चाहिए। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इश्यूअर। यहाँ पे इश्यूअर कौन हो सकती है? दो, प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है, पब्लिक कंपनी भी दे सकती है। डिबेंचर कैन बी इश्यू बाय बोथ द कंपनी। कंफ्यूज मत हो ना बच्चे लोग, यहाँ पे बच्चे लोग डर जाते हैं, कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे लोग डर जाते हैं कि खाली पब्लिक कंपनी दे सकती है कि प्राइवेट कंपनी दे सकती है। दोनों दे सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इश्यू अ डिबेंचर। लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। जरूरी प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो ऑफकोर्स जरूरी है। नेक्स्ट, मतलब पब्लिक कंपनी रहेगी तो। ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजिली ट्रांसफर थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। मतलब आप डिबेंचर सर्टिफिकेट इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। सो यहाँ पे 14 पॉइंट आपके, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। वन बाय वन रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। प्रॉमिस, एक टाइप का प्रॉमिस है, सेकेंड फेस वैल्यू, थर्ड टाइम ऑफ रिपेमेंट, फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, अश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट, इंटरेस्ट, पार्टीज टू द डिबेंचर, ऑथोरिटी टू इश्यू डिबेंचर, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, नो वोटिंग राइट्स और सिक्योरिटी, और इश्यूअर लिस्टिंग एंड ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 14 आपके फीचर्स ऑफ डिबेंचर। सो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया रहेगा। इफ़ यू एन स्टिल डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालेंगे, सर ये समझ में नहीं आया। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी में कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेट फास्ट पढ़ा करता हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेरी 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 डोंट मिस, अभी बोला डोंट मिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम्स में, जो होगा आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।